नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को शामिल कर लिया है। सोमवार से शुरू हुए इस फेज में पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े 10,000 प्राइवेट अस्पताल ही शामिल किए गए हैं। वैक्सीनेशन शुरू होने के एक दिन बाद ही यानी मंगलवार को सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया, साथ ही कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुधवार तड़के भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बाइक सवार कुछ बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि यह हमला खुद आयुष ने अपने साले से करवाया है। पुलिस ने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। घटना मडियाव क्षेत्र के छठा मिल चौराहे की है। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष सुबह टहलने के लिए निकला था, तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वे भागते हुए जमीन पर गिर गया, तभी एक बदमाश ने उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने छानबीन की तो कहानी कुछ और ही निकली। पता चला कि खुद आयुष के कहने पर उसके साले आदर्श ने गोली मारी थी। पूछताछ में आदर्श ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आदर्श ने बताया कि कुछ लोगों को फंसाने का प्लान था, इसलिए ये पूरी साजिश रची गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्स को धन्यवाद भी कहा। इस बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। नागपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। यहां 45 साल से अधिक उम्र के बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन में खड़े दिखे। इनमें कुछ लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था, तो बहुत सारे लोग मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित बजट वेबिनार में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारतीय टैलेंट की डिमांड आज पूरी दुनिया में है। भारत के युवा हर क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। कहा, आत्मनिर्भरता के लिए युवाओं को आत्मविश्वास की जरूरत होती है। ये सीधे तौर पर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च से जुड़ी हुई है। नई शिक्षा नीति में इन सब का समावेश है। इस नीति से देश का हर एक युवा मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपने व्यक्तिगत, बौद्धिक, औद्योगिक स्वभाव और टैलेंट को दिशा देने वाले पूरे इकोसिस्टम में परिवर्तन करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब इस गाइडलाइन के तहत कार्यवाही और अधिकारियों को लेकर बहस शुरू हो गई है। हुआ यूं कि मणिपुर में सोशल मीडिया पर टॉक शो चलाने वाले एक पत्रकार को इम्फाल के डीएम नोआराम प्रवीण ने इसी नई गाइडलाइन के तहत नोटिस भेजा। डीएम को टॉक शो के कुछ पॉइंट्स का आपत्ति थी। मामला केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचा। डीएम को अपना नोटिस वापस लेना पड़ा। मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि नई गाइडलाइन के तहत आपको यानी जिले के अधिकारियों को कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने डीएम के नोटिस को अतिक्रमण करार दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया भर के लोग जूझ रहे हैं। भारत की कामकाजी महिलाएं तो कोरोना के कारण अधिक दबाव महसूस कर रही है। ये निष्कर्ष ऑनलाइन पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी 2021 के सर्वे से सामने आया है। सर्वे के मुताबिक कोरोना का विदेश में काम कर रही महिलाओं की तुलना में देश की कामकाजी महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। 90% महिलाएं कोरोना के चलते दबाव में हैं। पूरे एशिया पैसिफिक देशों में महिलाओं को काम और सैलरी के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है और कई जगह पर पक्षपात का सामना करना पड़ा है। 22% महिलाओं का कहना है कि उन्हें पुरुषों की तुलना उतनी वरीयता नहीं दी जाती है। 85% महिलाओं ने कहा कि 60% क्षेत्र में औसत की तुलना में उन्हें सही समय पर प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी का वर्क ऑफर नहीं मिलता। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री का एक सेक्स स्कैंडल के नाम आने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों के बवाल के बाद बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार ने मंत्री
रमेश जरकीहोली ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच राज्य से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उसे शर्मनाक बताया है। दरअसल बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री रमेश जरकीहोली की एक कथित सेक्स सीडी सामने आई है। इसमें जरकीहोली एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। इस कथित सीडी को राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्ला हली ने जारी किया है। उनका आरोप है कि मंत्री ने नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ यौन शोषण किया। इस बीच बुधवार को कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन और आरोपी मंत्री के भाई बालाचंद्र जरकीहोली ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मिलकर मामले की जांच सीआईडी और सीबीआई से कराने की मांग की। महंगाई की मार से जूझ रही महिलाएं। राधागंज में क्षेत्र की महिलाओं ने घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर थाली बजाकर और गैस की टंकियां रखकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। कोरोना महामारी में भजवाई थी थालियां, इसी की तर्ज पर अब घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर थालियां बजाकर कर रही राधागंज क्षेत्र की महिलाएं विरोध। युवक कांग्रेस के नेतृत्व में किया महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन, बढ़ते दामों को कम करने की मांग। कोई ने थाली तोड़ ली, कोई ने दिए जलाए, सब ने मोदी जी के लिए किया कि ठीक है कोरोना चला जाएगा, भ्रम में रखा लोगों को। और इसी तरह जैसे उन्होंने भ्रम में रखा, हम भी थाली बजा कर ये बताना चाहते हैं कि हम भी कोई भी थाली बजाना आती है, आप गैस की टंकी कम करें। देखा गया टंकी के ऊपर शिवराज जी और मोदी जी के फोटो लगे हुए थे। पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर है तो अपने मध्य प्रदेश में शिवराज का। सभी जगह पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स है। आप देखिए अभी कल आया था कि रजिस्ट्री में अपने यहाँ 10% लगते हैं। सभी ले जाकर सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने लगाए। जितेंद्र सिंह और युवक कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार के आदेशों के बाद देर रात मैनपुरी में भी सभी 549 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई। इन सभी जगहों पर चुनाव होना है। इनमें अगर अनारक्षित सीटों की बात करें तो कुल 191 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो कि अनारक्षित घोषित की गई है। सीटों के आरक्षण के बाद ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर लोग जोर से आजमाई से करने लगे हैं। इसी में मैनपुरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है मैनपुरा सुजापुर। अगर इस ग्राम पंचायत की बात करें तो यहां पर भी प्रधान पद के चुनाव के लिए लगभग 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार यहां खास क्या है तो आइए हम आपको बताते हैं। एक प्रत्याशी ऐसा है जिसका नाम आशीष कुमार है। आशीष कुमार की उम्र लगभग 21 साल है जो कि बीए तृतीय वर्ष का छात्र है। हालांकि आशीष कुमार इस प्रधान की चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं क्योंकि वो युवा है। उन्होंने अपने गांव से प्रधानी के चुनाव को लड़ने का इसलिए निर्णय लिया है क्योंकि वो अपने जन्म से ही गांव की दुर्दशा को लेकर चिंतित रहते थे। वो हर पल ये सोचते रहते थे कि आखिर जो भी गांव का प्रथम नागरिक यानी प्रधान हो जाता है वो फिर गांव को क्यों बुला जाता है, वो गांव के हालातों और उसकी दुर्दशा को लेकर कोई सार्थक प्रयास क्यों नहीं करता, गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाता। लेकिन इन सभी के बीच उसकी उम्र आगे आ जाती थी और हर पल ये सोचता था कि जब वो इसके काबिल होगा तो चुनाव अवश्य लड़ेगा। हालांकि समय बदला और वो दिन भी आ गया जब वो इसके लायक हुआ और अब 2021 के प्रधानी के चुनाव में वो अब यहाँ से उम्मीदवार है। आज आप यहाँ सुजापुर मैनपुर में आए हैं, इस सभा को संबोधित किया, क्या कार्यक्रम था? यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे युवा उपाध्यक्ष आशीष राजपूत जी चुनाव लड़ रहे हैं और मिशन मोदी की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी, ये हम लोग सब आए हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो चुनाव लड़ें, जीतें, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये इनमें एक उमंग होती है युवाओं में, ये विकास कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जनता का एजेंडा हो, हम लोग उस पर हमारे प्रधान लोग जो जीत कर आएँ वो काम करें और मोदी जी की सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ जनता तक मिले। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जाकर जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रचार करेंगे और जितनी शक्ति है वो सारी मोदी जी की योजनाओं का पंचायत क्षेत्र में जहां जितना विकास करा सकते हैं वो कराएं और हमारे कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीत कराएं, ये हम लोगों का मिशन है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं
और इस सभा को संबोधित किया है। आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, आज जनसभा को भी संबोधित कराया आपने, क्या कहना चाहते हैं? मेरी ग्राम सभा मेरापुर सिंगापुर है, एक छोटी सी ग्राम सभा है, इसमें बहुत से काम, बहुत से पहले हमसे पहले प्रधान पद से लड़े हैं, वो जीते भी हैं, उन्होंने कई काम ऐसे किए जिससे गांव ना खुश है। मुझे भी लगा कि हमारा गांव तरक्की के मार्ग पे नहीं जा रहा, हमने एक उम्मीद जगाई है अपने युवा लोगों ने, सभी ने, कि हमें अपने गांव को शिक्षा और दवा दारू एनीवे कोई भी बड़ा बूढ़ा जो भी हो उसे हर संभव मदद के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। आप युवा हैं, ज़्यादातर युवा राजनीति से दूर रहते हैं, आपने राजनीति को चुना, तो क्या लग रहा है आपको कि आप पूरा कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति जो है, राजनीति से युवा काफ़ी दूर रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई से नहीं होते हैं वो राजनीति में जाके किए जा सकते हैं, तो इसलिए हम करेंगे गांव का बहुत सारा, इतना करेंगे शायद है कि आने वाले कल में कोई ये कहेगा कि हाँ हमारा भाई आया था उसने विकास किया। मैं सभी अपने ग्रामवासियों से एक बात कहना चाह रहा हूँ, बस एक बार आशीर्वाद देके देखे, मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी को गलत बोलने का, सब जो विकास कराएंगे सब। हेलो, आप पीएम मोदी अगेन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है कि आप सभा से हैं? जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे मिशन मोदी अगेन पीएम के जिला उपाध्यक्ष श्री आशीष राजपूत जी, जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ न्याय पंचायत में एक छोटा सा इलेक्शन ग्राम पद प्रधान पद का लड़ा जा रहा है। तो आशीष राजपूत जी के द्वारा संगठन को अवगत कराया गया कि ये इच्छुक हैं, तो हम लोगों ने देखा कि इनकी जो एजेंडा है यहाँ पर ग्राम प्रधान पद की, शिक्षा विकास, तो उस सिलसिले में हम लोग इनका यहाँ पे जो नीतियाँ हैं, हम लोगों की मिशन मोदी की जो नीतियाँ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार जो चल रही है उस नीतियों को यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित कैसे हों, कैसे कराना है, उसी संचाल नीतियों को संचालित कराने के लिए और आशीष राजपूत के हाथ मजबूत करने के लिए कि गांव-गांव जाकर ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए जिससे कि देश हमारा जो विश्वगुरु बनने की राह पे चल रहा है, तो निसंदेह युवाओं के राजनीति में भागीदारी मैक्सिमम आने पर हमारा जो देश विश्वगुरु बनने की राह में है और जल्द ऐसे तमका से उपाधि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो उपाधि धारण कर लेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए कि आशीष राजपूत को हम प्रधान पद पर यहाँ विजय दिलाएं, ताकि हमारा जो योजना का संचार है वो निरंतर बढ़ता जाए और ऐसे तमाम हमारे साथी हैं जिन्हें हम लोग जा के और लोगों से रूबरू कराएंगे और एजेंडा अपना बनाकर ऐसे लोगों को विजय बनाने का कार्य करेंगे। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।